पढ़े लिखे की इज्जत उस मुल्क में होती है सेठ जी जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। यहाँ पढ़े लिखे की जबान कोई नहीं समझता। आप वहम न कीजिए चौधरी जी, मैं झूठा सुख ढूंढने नहीं आया, अपने दुख भूलने आया हूँ। भाई आजकल बेकारी का जमाना है, शरीफ कम है और चोर ज्यादा है। अजीब चोर हो, नमाज भी पढ़ते हो चोरी भी करते हो। चोरी मेरा पेशा है और नमाज फर्ज। नमाज फर्ज, नमाज फर्ज। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सोएब अली। आज हम बात करेंगे 1950s में होने वाले बहुत बहुत बड़े लोगों के टकराव के बारे में। इसमें एक लाहौर की इंडस्ट्री को खड़े करने वाले अनवर कमाल पाशा साहब हैं और दूसरी तरफ है सादत हसन मंटो, जिनका शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में कोई मुकाबला नहीं था। हुआ कुछ यूं कि अनवर कमाल पाशा साहब पार्टीशन के वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर हुआ करते थे, लेकिन दिमाग बहुत तेज था। ही वॉज वेरी मच इन टू फिल्म मेकिंग, क्योंकि उनके वालिद साहब हकीम अहमद शुजा वॉज अ नॉवलिस्ट, वॉज अ रेनाउंड फिगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स। हकीम अहमद शुजा साहब से सोहराब मोदी जैसा बड़ा डायरेक्टर आके फिल्में लिखवाया करता था। जब पाकिस्तान में फिल्में बनना शुरू हुई तो दो आंसू नाम की एक फिल्म बनी जिसमें संतोष कुमार को मुतारफ किया गया पाकिस्तान में, सबिया खानम को भी एक रोल दिया गया और अनवर कमाल पाशा साहब ने उसके अंदर असिस्टेंट का किरदार अदा किया ताकि वो देख सकेंगे फिल्म किस तरह बनती है। और जब उन्होंने सब सीख लिया काम तो उन्होंने अपनी फिल्में बनाना शुरू की और उनकी फिल्में जो थी गुलाम, गुमनाम, सरफरोश, वतन, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में थी। उनको बहुत अवार्ड्स भी मिले और इसमें बहुत सारे लोग मुतारिफ भी हुए। खैर, अनवर कमाल पाशा साहब के साथ ये कहानी हुई कि उनके कॉलर बहुत जल्दी खड़े हो गए। उनके इर्द गिर्द जो लोग थे वो उनकी वाह वाह बहुत करते थे और कहते थे सर क्या बात है, क्या बात है। बहुत मुबारक हो सर, पाकिस्तान जिंदाबाद सर, आपका विजन है, आपका विजन है। उनको एक दवा मशवरा भी दिया गया, आप बहुत खूबसूरत आदमी है, आप एक्टिंग भी नहीं करते। वो बेचारे एक्टिंग में घुस गए, लेकिन एक्टिंग कराने वाला और एक्टिंग करने वाले में फ़र्क होता है। इस फिल्म के बाद उनको अंदाज़ा हो गया और वो दोबारा कभी एक्टिंग में नहीं आया। अनवर कमाल पाशा साहब जो थे वो अपने वालिद साहब को उस लेवल पर नहीं रखते थे जैसे उनकी करनी चाहिए थी इज्जत। ये लोगों ने भी देखा कि वो झड़क भी देते थे उनको और बहस भी करते थे और काफ़ी उनको उनका बिहेवियर जो था रूथलेस था। अब मंटो साहब जो थे वो उम्र में अनवर कमाल पाशा से बड़े थे और हकीम अहमद शुजा से छोटे थे। मंटो साहब ने कहीं लिख दिया कि ये अपने बाप को घसियारा समझता है। अब बताओ क्या चाहते हो, मौत या जिंदगी? मौत, अगर एक तालिम से जिंदगी की भीख मांगनी पड़े। शानू स्टूडियोज। अनवर कमाल पाशा एक दिन मंटो साहब से टकरा गए और उन्होंने उनसे आकर कहा कि मेरी फिल्म में एक सिचुएशन है। मदद करने को तो मंटो सबकी मदद करते थे, लेकिन यहाँ अनवर कमाल पाशा थे। मंटो ने कहा पैसे के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। कहीं लिखा है कि मंटो को 500 रुपये दिए गए, कहीं लिखा है कि अनवर कमाल पाशा ने 1000 का चेक मंटो को दिया, लेकिन जो भी था मंटो वॉज पेड। अनवर कमाल पाशा ने बताया कि मेरी फिल्म में एक सिचुएशन है कि जो हीरो है वो लालच में आके हीरोइन को जहर दे देता है लेकिन वो बच जाती है। कोई ऐसा तरीका बताइए कि सिचुएशन में फिल्म में डाल सकूँ। मंटो ने सोचा और उन्होंने कहा कि हीरो जो है वो हीरोइन को जहर देता है और जाके उसको जंगल में फेंकाता है। जंगल में एक सांप आता है और आकर हीरोइन को काटता है, सारा जो जहर होता है वो सांप अपने ले लेता है और मर जाता है। लड़की जिंदा हो जाती है और वो वापस आ जाती है, समझे कि बैक फ्रॉम द डेड। अनवर कमाल पाशा ने सिचुएशन सुनी और कहा ऐसा हो सकता है। मंटो ने कहा यही हाल है। पाशा साहब अपने एक डॉक्टर दोस्त के पास गए और उसको ये मशवरा सुनाया। उसने कहा हाल तो बिल्कुल ठीक है। खैर, पाशा ने इस सिचुएशन को फिल्म गुलाम के अंदर इनकॉर्पोरेट किया। संतोष कुमार सबिया खानम के कैरेक्टर को जहर देते हैं, जंगल में फेंकते हैं, सांप आता है। लेकिन ये फिल्म रिलीज हुई है मंटो साहब के इंतकाल के एक दिन के बाद। अनवर कमाल पाशा की ईगो तो जीत गई, मंटो को क्रेडिट तो ना मिला ना दिया गया, लेकिन आज सब जानते हैं कि ये एंडिंग मंटो की बताई हुई थी।